तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों के द्वारा यानी कि बिगिनर्स के द्वारा पूछा जाने वाला काफी ज्यादा क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के पढ़ने को मिलता है कि भैया मुझे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सिखा दो। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कब खरीदना है, कब बेचना है। फॉर एग्जाम्पल हमको पता चल गया कि मार्केट बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, तो हमको उस समय कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये बेसिक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक बिगिनर्स के लिए और बिगिनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है यहीं पर। आज के इस वीडियो में आपका यही डाउट क्लियर करूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आज तक आपको किसी ने इस तरह से नहीं बताया होगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कॉपी और पेन में बकायदा ये समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कब आपको बाय और कब आपको सेल करना चाहिए। इसके बाद लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन करके ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरफ मार्केट का मूवमेंट होगा, तब आपको कॉल ऑप्शन और कब आपको पुट ऑप्शन बाय और सेल करना है, जिससे आपका सारा डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉपी और पेन में समझते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग मान करके चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन हम लोग यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। अभी यहाँ पर निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है वो 16,000 पर है। इस करंट प्राइस को हम लोग स्पॉट प्राइस के भी नाम से जानते हैं, चाहे ये निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी का हो या फिर किसी अदर स्टॉक का ऑप्शन चेन ओपन किए हों, उसका जो करंट प्राइस होता है उसको हम लोग स्पॉट प्राइस के नाम से जानते हैं। तो स्पॉट प्राइस अभी जिस कंडीशन पर है वहां से मार्केट का मूवमेंट किधर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं कि मार्केट अभी 16,000 पर है और 16,000 से बढ़ करके आने वाले टाइम में 16,500 या फिर 17,000 तक जाने वाला है, यानी कि जिस स्थिति में अभी है आने वाले टाइम में वहां से किस तरफ इसका मूवमेंट होने वाला है। अभी हम लोग मान करके चलते हैं निफ्टी का जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। तो अगर मार्केट बढ़ने वाला है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, तब हमको प्रॉफिट होगा। सेम इसी टाइम पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मार्केट बढ़ने वाला रहेगा तो पुट ऑप्शन के अंदर हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन हम लोग सेल कर सकते हैं जिससे हम लोगों को प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो इस केस में हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ठीक इसी के विपरीत अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट बेयरिश होने वाला है, यानी कि 16,000 से घट करके 15,500 या 15,000 की तरफ मूवमेंट अपना दिखाने वाला है, यानी कि मार्केट अभी गिरने वाला है, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन के अंदर, तो हम लोग कॉल ऑप्शन के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा। और पुट ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के अंदर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को प्रॉफिट होगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट का जो करंट प्राइस है 16,000 है, यहां से मार्केट का मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ जाने वाला है यानी कि बढ़ने वाला है, इसका मतलब हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन सेल करेंगे, ये दो चीज हम लोग कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट गिरने वाला है तो हम लोग दो चीज कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको केवल प्रीमियम पे करना पड़ता है, प्रीमियम में आपको बहुत कम अमाउंट देना पड़ता है, जबकि अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए तभी आप सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग के अंदर जाने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर जाने वाले हैं तो इसमें आपके लिए दो चीज काम का है, मार्केट अगर बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, मार्केट अगर गिरने वाला है तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इन दोनों को आप स्टार्टिंग में इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, चारों चीज आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बताता हूं कि कैसे आपको बाय और कैसे आपको सेल करना है। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन, और इस ऑप्शन चेन में लेफ्ट साइड में आपको कॉल प्राइस और राइट साइड में आपको पुट प्राइस दिख रहा है। अब देखिए कॉल प्राइस आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, पुट प्राइस में आपको कब बाय और कब सेल करना है, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए मार्केट बढ़ने का मतलब क्या है, मार्केट इस तरफ आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए चार्ट में कुछ इस तरह से अरेंज किया गया इसको कि देखिए मार्केट अगर बढ़ रहा है 15,950 है, 15,950 से अगर ऊपर जाता है ये स्पॉट प्राइस तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके मूवमेंट को, ठीक है। तो 15,950 से अगर बढ़ करके 16,000 आएगा तो इस तरफ आएगा, फिर 16,050 आएगा तो मार्केट बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉल ऑप्शन में आपको बाइंग करना है। एट द टाइम आप पुट ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के अंदर आप उसका जस्ट अपोजिट यानी कि सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन के अंदर बाइंग और पुट ऑप्शन के अंदर सेलिंग कर सकते हैं एट द टाइम। सेम इसका उल्टा होता है पुट ऑप्शन के अंदर, पुट ऑप्शन में आपको बाइंग कब करना है, जब आपको लगे कि मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला इन द सेंस यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट 15,940 है, 15,900 फिर 15,850 यानी कि गिरेगा मार्केट इस तरफ, तो मार्केट अगर गिरने वाला है तो आपको पुट ऑप्शन के अंदर बाइंग करना है और एट द टाइम आप कॉल ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया एज ए बिगनर आपको सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए आप ऑप्शन बाइंग में ही जाएंगे स्टार्टिंग में। तो अगर आपको कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो आप बाय कब करेंगे कॉल ऑप्शन, जब आपको लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला इन द सेंस इधर, और मार्केट अगर गिरने वाला है इन द सेंस इधर, तो पुट ऑप्शन के अंदर आपको बाइंग करना है। ये दो चीज आप यहां से कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बाय और सेल का ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, आप चाहे तो कॉल ऑप्शन के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और नीचे की तरफ आप आएंगे तो बाय और सेल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप पुट के अंदर अगर खरीदना चाहते हैं तो यहां पर भी आप क्लिक करेंगे खरीद या फिर बेच, दोनों यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको बाइंग और कब आपको सेलिंग करना चाहिए। और इससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था कॉपी और पेन में, यहां पर मार्केट को बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ दिखाया था और मार्केट गिरता हुआ नीचे की तरफ दिखाया था ताकि आपको समझाने में आसानी हो, लेकिन वही चीज आपको यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। मार्केट बढ़ इस तरफ रहा है और गिर इस तरफ रहा है, तो ये चीज आपके हैबिट में तब आएगा जब आप डेली डेली ट्रेडिंग करेंगे या फिर इस चार्ट को इस टेबल को हमेशा एनालिसिस करेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको हैबिट हो जाएगा कि मार्केट बढ़ रहा है इस तरफ हो रहा है कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, मार्केट गिर रहा है इस तरफ जा रहा है पुट ऑप्शन बाय करना है। तो ये चीज आपको हैबिट में आ जाएगा जब आप इसको डेली डेली देखेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया और पसंद भी आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।